लाल पत्थर की कालजयी कलाकृति गोविंद देव मंदिर की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। रंगजी मंदिर के सामने गोमा टीले पर बने इस मंदिर पर चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सड़ गोस्वामियों में प्रमुख रूप गोस्वामी को कलांतर में श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाथ के निधि स्वरूप गोविंद देव के विग्रह प्राप्त हुए। मंदिर का निर्माण रूप गोस्वामी से प्रेरणा लेकर सन 1565 में जयपुर के राजा मानसिंह ने करवाया था। गोविंद देव मंदिर अष्टदल युक्त कूर्माकार योगपीठ के आधार पर 12 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। अंग्रेजी हुकूमत में जिला कलेक्टर रहे F.S. ग्राउस ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि उत्तर भारत की अद्वितीय अद्भुत हिंदू मंदिर स्थापत्य कला का ये मंदिर दिव्य है। वृंदावन में इस निर्माण के साथ ही मंदिरों के निर्माण का क्रम भी शुरू हो गया था। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार 7 मंजिला मंदिर की छत पर जलने वाले 125 घी के दीपक का प्रकाश दूर प्रांतों तक पहुँचता था, जिसकी जानकारी मुगल शासक औरंगजेब को हुई तो सन 1726 में उसने अपने सैनिक मंदिर ध्वस्त करने के लिए भेज दिए। औरंगजेब के सैनिकों ने 7 मंजिल मंदिर की ऊपरी 4 मंजिलों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान ठाकुर गोविंद देवजू के श्री विग्रह को जयपुर में स्थापित करवाया, जहाँ आज भी गोविंद देव मंदिर स्थापित है। गोविंद देव मंदिर सर्वोत्तम तो है ही, हिंदू शिल्पकला का उत्तरी भारत में यह अकेला ही आदर्श है। इसकी लंबाई चौड़ाई 100-100 फीट है, बीच में भव्य गुंबद है, चारों भुजाएं नुकीले मेहराबों से ढकी है, दीवारों की औसत मोटाई 10 फीट है। ऊपर और नीचे का भाग हिंदू शिल्पकला का आदर्श है और बीच का मुस्लिम शिल्प का कहा जाता है कि मंदिर के शिल्पकार की सहायता अकबर के प्रभाव के कुछ ईसाई पादरियों ने की थी। यह मिश्रित शिल्पकला का उत्तरी भारत में अपनी किस्म का एक ही नमूना है। खजुराहो के मंदिर भी इसी शिल्प के हैं। मूलभूत योजना अनुसार 5 मीनारें बनवाई गई थीं, 1 केंद्रीय गुम्बद पर और 4 अन्य गर्भगृह आदि पर गर्भगृह पूरा गिरा दिया गया है। दूसरी मीनार कभी पूरी बन ही नहीं पाई। यह सामान्य विश्वास है कि औरंगजेब बादशाह ने इन मीनारों को गिरवा दिया था। नाभि के पश्चिम की एक ताक के नीचे एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर संस्कृत में लंबी इबारत लिखी हुई है। इसका लेख बहुत बिगड़ा हुआ है, फिर भी इसका निर्माण संवत 1647 विक्रमी पढ़ा जा सकता है। और यह भी कि रूप और सनातन के निर्देशन में बना था, भूमि से 10 फीट ऊंचा लिखा है। राजा पृथ्वी सिंह जयपुर के महाराजा के पूर्वज थे। उनके 17 बेटे थे, उनमें से 12 को जागीरें दी गई थी। यह जयपुर के आमेर की 12 कोठरी कहलाती है। मंदिर का संस्थापक राजा मानसिंह राव पृथ्वी सिंह का पौत्र था।